अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परफेक्ट मनी में पैसे जमा कैसे करवाते हैं। इसके लिए हमें एक एक्सचेंज यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है कैश मॉल। अगर आपको नहीं पता कि कैश मॉल का अकाउंट कैसे बनाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। जब आप कैश मॉल पर लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, ये जो बने हुए हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ रहा है मैनेज फंड्स, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने पहले पैसे अपने इजी पैसा से कैश मॉल में ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, पहले पैसे कैश मॉल से इजी पैसा में डिपॉजिट करने हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि किससे डिपॉजिट करने हैं, परफेक्ट मनी से, बिटकॉइन से, एडवांस कैश से, बैंक ट्रांसफ़र से, जैश कैश से, या इजी पैसे से, या सिक्रिल से। हमने तो इजी पैसा या जैश कैश से करने हैं, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करती हूँ इजी पैसा। ये पूछ रहे हैं कितनी अमाउंट करनी है, तो हम यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं 350 कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक हो रहा है। देखें, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। ये कह रहे हैं प्लीज़ सेंड 350 टू आर बैंक अकाउंट फ्रॉम योर इजी पैसा अकाउंट। ये कह रहे हैं कि 350 रुपये अपने इजी पैसा अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफ़र करें हमारे बैंक अकाउंट में। ठीक है, इन्होंने बैंक का नाम दिया है मेज़ान और बैंक अकाउंट नंबर दिया है ये, और रेफरेंस नंबर दिया है ये, बैंक अकाउंट नंबर, ये मेज़ान बैंक का नाम और ये रेफरेंस नंबर। ओके, ये दिया है और नीचे इन्होंने ये डिटेल दी है। अगर आपके पास इजी पैसा ऐप या जैश कैश ऐप है तो फिर बहुत अच्छा है। आपने आपके फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं इजी पैसा ऐप पे। यहाँ पर हम ट्रांसफ़र मनी पे आएंगे। ट्रांसफ़र मनी के बाद आने के बाद यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट भेजने, हम बैंक अकाउंट में आएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट के बाद इन्होंने कौन सी ऑप्शन दी है हमें, मेज़ान बैंक की। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ठीक है, मेज़ान बैंक, मेज़ान, ये देखेंगे मेज़ान बैंक आ गया, मेज़ान बैंक आ गया। यहाँ पर आपने वही वाला अकाउंट नंबर देना जो इन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए, ऊपर जाएं, ये बैंक अकाउंट नंबर जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, ये देना है। ओके, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पर वही नंबर देना है जो उन्होंने कहा हुआ है। फिर उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट पर्पस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आप कुछ भी कर लें, बिजनेस लिख दें या कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देना। ओके, आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे बैंक अकाउंट में। जैसे ही बैंक अकाउंट, जैसे ही आप ये पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, आपको ट्रांजैक्शन आईडी आएगी जो कि आपकी मैसेज में आएगी, जिससे आपने इजी पैसा का अकाउंट जिस नंबर से आपने बनाया उस नंबर पर आएगी, उस नंबर पे आएगी। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने कॉपी करनी है और सिंपली ये ट्रांजैक्शन आईडी वाले खाने में आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ओके, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है ट्रांजैक्शन आईडी और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपका जो पैसे होंगे वो इसमें कैश मॉल में ऐड हो जाएंगे। ओके, आपके पैसे कैश मॉल में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपको अपने पैसे कुछ यहाँ इस जगह पर नज़र आएंगे जब ऐड हो जाएंगे। ओके, फिर आपको अब परफेक्ट मनी में अपने पैसे कैसे सेंड करने हैं, या पायर में, सिक्रिल में, बिटकॉइन में कैसे आपको सेंड करने हैं, इसके लिए आपको फिर जो ये 3 लाइंस है इस पर क्लिक करना होगा।
ये जो थ्री लाइंस हैं, ओके। यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है मैनेज फंड्स पर, मैनेज फंड्स पर क्लिक करना है और करना है चेंज विड्रॉ मेथड, ओके। इस पर क्लिक करना है, चेंज विड्रॉ मेथड में हमने सेलेक्ट करना है परफेक्ट मनी, क्योंकि हम परफेक्ट मनी में पैसे सेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा आप जिसमें भी पैसे सेंड करना चाहते हैं, बिटकॉइन में, एडवांस कैश में, जैस कैश में, इजी पैसा में, सेक्रेल में, बैंक ट्रांसफर में, जिसमें भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं होंगे तो आप वही सिलेक्ट करना। लेकिन अब हम परफेक्ट मनी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने उसमें डिपॉजिट या सेंड करने हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो परफेक्ट मनी अकाउंट में आपने सिंपली आपने अपना अकाउंट नंबर देना है, जैसे मेरा है U22 या सम एल्स जो भी है। यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर देंगे और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, मतलब आपने यहाँ नाम देना है अपना, और ट्रांजैक्शन पिन में हमने वो पिन देनी है जो हमने कैश मेल का अकाउंट बनाते वक्त सेव की थी। यहाँ अपडेट मेथड पर क्लिक कर देना है, अपडेट मेथड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ तीन लाइंस पर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे विड्रॉ पर क्लिक, ओके। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परफेक्ट मनी का इंटरफेस खुल जाएगा। विड्रॉल अकाउंट में आपने लिखना है अपना नाम, अपनी करेंसी और अमाउंट में अपनी अमाउंट देनी है, और ट्रांजैक्शन पिन में वो पिन देनी है, और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो कन्फर्म पेमेंट में आएगा, तो कन्फर्म पेमेंट में आपने ओके कर देना है। तो आपकी जो पेमेंट होगी आपके परफेक्ट मनी के अकाउंट में जमा हो जाएगी और विदिन सेकंड में ये काम हो जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।